हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं शुरू कर रहा हूँ एक सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे IBPS PO और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए IBPS PO के लिए, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो 40 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पर। तो इस सीरीज़ को आप रेगुलरली देखिए और इससे निश्चित रूप से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, इस वीडियो क्लास में मैं आपको 5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बताऊंगा। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी इस समय पूछी जा रही है इंग्लिश सेक्शन में, उतनी वैरायटी किसी और सेक्शन में नहीं पूछी जा रही। तो अलग अलग सेक्शंस के और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे गए थे SBI PO में और क्लर्क में। ये फिलर का क्वेश्चन है, सिंपल एक क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस में आपको ये देखना होता है कि जो ऑप्शन है वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्चुअली भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी सही निकलना चाहिए। तो यहाँ से पढ़ते हैं इस सेंटेंस को और फिर मैं इसके आंसर्स आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए, एज आई स्टडीड मोर अबाउट थ्रेटन्ड स्पीसीज आई वॉज एट देयर ड्विंडलिंग। अब देखिए, यहाँ पर एक कीवर्ड दिया है इसमें, ड्विंडलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन लोगों की, इन स्पीसीज़ की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। एज आई स्टडीड मोर अबाउट थ्रेटन्ड स्पीसीज़। ठीक है, थ्रेटन्ड मतलब जो खतरे में है, ऐसी स्पीसीज़ जो खतरे में हैं और कुछ सालों बाद वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। ड्विंडलिंग का मतलब है कि इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो इस चीज़ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए? ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करेगी, ये चीज़ आपको अलार्म करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कौन सी फॉर्म चाहिए वर्ब की? यहाँ पर चाहिए आपको थर्ड फॉर्म, क्योंकि वॉज के बाद यहाँ पर ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, तो वॉज और वर्ब के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें आपका सही आंसर, देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं इसमें, टोल्ड, वॉर्न, अलार्म्ड, आस्क्ड, अलर्टिंग। ठीक है, तो आपको V3 वाला वर्ड चाहिए इसमें, हालांकि टोल्ड भी V3 वाला वर्ड है, लेकिन अलार्म्ड यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि अलार्म जो है ये ग्रामेटिकली भी सही है और कॉन्टेक्स्ट वाइज भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आपका थर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इसको मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। Ola owes a lot of its success to knowing when an Uber-like model was going to become popular in India and as much market share as early as possible. अब देखिए, यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और कॉन्टेक्स्ट वाइज भी करेक्ट हो। तो Ola owes a lots of its success, इसमें Ola और Uber जो कैब सर्विसेज हैं उसकी बात हो रही है। तो Ola अपनी सक्सेस को किसके लिए, मतलब किसको एट्रीब्यूट करता है? ठीक है, ये इसका अर्थ है, ओला ओज अ लॉट ऑफ इट्स सक्सेस टू नोइंग, मतलब ओला को जो सक्सेस मिली है उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ओला को पता है कि टू नोइंग व्हेन एन उबेर लाइक मॉडल वाज गोइंग टू बिकम पॉपुलर, कि उबेर का जो मॉडल है वो किस तरीके से इंडिया में भी पॉपुलर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, जैसे यहाँ पर एक जो सेंटेंस है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है पूरा। ठीक है, यहाँ से एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और यहाँ से फिर एंड के द्वारा एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ब की फॉर्म यहाँ पर आई है वही वर्ब की फॉर्म आपको यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर ING फॉर्म आई है तो यहाँ पर भी आपको ING फॉर्म लगानी पड़ेगी, लेकिन वो ING फॉर्म कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं बताता हूँ कि क्या सही वर्ड रहेगा यहाँ पर। Ola owes a lot of its success to knowing when an Uber-like model was going to become popular in India and as much market share as early as possible. मतलब Ola चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा market share को grab कर ले।
तो ग्रैब का क्या मतलब, देखिए ग्रैब यहाँ पर सही वर्ड है, ग्रैब का मतलब है उस चीज़ को हथिया लेना, जैसे यहाँ पर दिया है क्रिएटिंग अट्रैक्टेड, ठीक है। तो देखिए अट्रैक्टेड तो वैसे गलत हो जाएगा, आई एन जी फॉर्म नहीं है ये, फॉलिंग तो सेंस में ही गलत है, फॉर्म्ड आई एन जी फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्रिएटिंग और ग्रैबिंग दो एक्चुअली सही वर्ड हो सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रैबिंग जो है, ये जो वर्ड है ये मोर अप्रोप्रिएट रहेगा, ग्रैबिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ई, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, आपको ग्रामेटिकल सेंस भी देखना है और आपको इसका कॉन्टेक्चुअल सेंस भी देखना है, दोनों ही सेंसेस में आपका जो वर्ड है वो सही होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं द आर्टिस्ट मनी टू बाय द लैंड एंड सोल्ड। अब देखिए सोल्ड यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सोल्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, यानी यहाँ पर आपको जो वर्ब चाहिए वो पास्ट टेंस में चाहिए, ठीक है। तो आर्टिस्ट मनी टू बाय द लैंड, बाय द लैंड के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी आपको, आपको पैसे को कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कलेक्टेड से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए और वो भी पास्ट टेंस में आपको चाहिए। तो देखिए सोक्ड का मतलब तो सोखना होता है, ड्रेन्ड का मतलब किसी चीज़ का बाहर निकलना, जैसे पानी का निकलना, ठीक है। फॉर्म्स नहीं होगा, कलेक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि कलेक्ट्स एस लगा हुआ है इसमें। अब देखिए पूल्ड जो वर्ड है ये ग्रामेटिकली भी सही है, पूल्ड का मतलब इकट्ठा होना होता है, ठीक है, और ईडी फॉर्म भी लगी है इसमें। तो इस तरीके से आपको ग्रामेटिकल सेंस में भी वो सही होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअल सेंस में भी वो सही होना चाहिए, तब आपका आंसर वहाँ पर सही निकल के आएगा। और ये सारी चीज़ें आती हैं आपको रीडिंग से, और रीडिंग के लिए मैं हिंदू बूस्टर सीरीज चला रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं हिंदू बूस्टर सीरीज। तो उसमें आपको पूरा मैं बताता हूँ कि किस तरीके से रीड करना है और किस तरीके से किसी पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब निकालना है, तो सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका पूल्ड, यानी बी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और इसमें 5 तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं इस वीडियो क्लास में, तो आपको काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी इस वीडियो क्लास में। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, इन द सेकेंड टेस्ट ऑफ द ऑनगोइंग इंग्लैंड सीरीज इंडिया टुक अ, अब देखिए यहाँ पर की क्या है, किस वर्ड के साथ ये वर्ड जा सकता है, बाई प्लेइंग टू स्पिनर इन आर अश्विन एंड कुलदीप यादव। इसका मतलब ये है कि सेकेंड टेस्ट में इंडिया ने एक चांस लिया आर अश्विन को खिलाने का और कुलदीप यादव को खिलाने का, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि टेक के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है, जैसे टेक ए टर्न भी होता है, ठीक है, टेक ए गैम्बल भी होता है, तो यहाँ पर एक तरीके से हम चांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए की वर्ड है एक बैकफायर्ड का मतलब है कि आपने जो काम करने की सोची वो उल्टा पड़ गया, आपने कुछ करने की सोची और वो उल्टा हो गया, ठीक है, बैकफायर्ड का ये मतलब है। तो बैकफायर जो वर्ड है ये तभी आता है जब हम एक रिस्की सिचुएशन में होते हैं, जब हम कोई गैम्बल लेते हैं, और टेक के साथ गैम्बल वर्ड जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो डी आंसर है वो सही रहेगा, ठीक है। टेक ए टर्न का मतलब होता है बारी बारी से किसी काम को करना, टेक ए टर्न, टेक ए टर्म नहीं होगा, टेक ए टैक्टिक, टैक्टिक के साथ टेक वर्ड नहीं जाता, तो गैम्बल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए ये हैं आपके टाइप 2 के क्वेश्चन और इसमें हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट, ठीक है। तो पूरा एक ये सेंटेंस दिया है और ये 5 पार्ट में डिवाइड है, ए बी सी डी ई, तो जिस पार्ट में गलती है वो पार्ट आपका आंसर होगा। और यहाँ पर जो नया पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में क्या करते हैं कि ये ए बी सी डी ई ये दिया है जो नीचे, इसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि डी सबसे ऊपर दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी बीच में दिया है, तो ये थोड़ा सा इसलिए किया जाता है ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाए, थोड़ा सा टफ लगे स्टूडेंट्स को, इसलिए इसको किया जाता है। तो यहां से हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वी आर वर्किंग ऑन वेज टू इन्वेस्टिंग। देखिए टू के बाद काफी स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि टू के बाद कभी कभी आई एन जी भी आ जाता है, कभी कभी वी वन भी आता है। देखिए टू के बाद वी वन आपको कब लगाना है और आई एन जी कब लगाना है ये मैं बता देता हूं आपको। यदि आप किसी पर्पज की बात कर रहे हैं तो आपको टू के बाद वी वन लगाना है,
और यदि आप किसी चीज की बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आपको वहां पर चाहिए, तो फिर आप आईएनजी फॉर्म आपको वहां पर लगाना होता है। अब देखिए इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूं, वी आर वर्किंग ऑन वेज टू इन्वेस्ट इन टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो वी आर वर्किंग ऑन वेज मतलब हम कई सारे तरीकों को ढूंढ रहे हैं, और उन तरीकों का पर्पस क्या है, उन तरीकों का पर्पस है टू इन्वेस्ट इन टीचर ट्रेनिंग, यानी यहाँ पर हम पर्पस की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका इन्वेस्टिंग वर्ड ना आते हुए यहाँ पर आएगा आपका इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये पार्ट इसमें गलत है। तो कौन सा पार्ट गलत है आपका, ए पार्ट। अब ए पार्ट किस में दिया है, ए पार्ट दिया है फोर में, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा फोर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। जैसे यदि मैं बोलूं कि इसमें आईएनजी फॉर्म भी लग सकती है और वी1 भी लग सकती है, लेकिन वी1 हम लगाते हैं पर्पस के लिए और आईएनजी हम लगाते हैं जेरेंड फॉर्म हम लगाते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इसको मैं डिटेल में जेरेंड वाले टॉपिक में आपको और बताऊंगा कि टू के साथ आईएनजी कहां पर आता है और वी1 कहां पर आता है। अभी इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फोर। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स और इसके पर्टिकुलर पार्ट में आपको इधर निकालनी है। इन द एंड द इंडियन स्ट्रक फोर गोल्स इन द फाइनल क्वार्टर फॉर ए 5-0 विन, बट इट वॉज फार ऑफ द डोमिनेंट फॉर्म। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इसका पहले अर्थ समझते हैं। इन द एंड इंडियन स्ट्रक फोर गोल मतलब आखिरी में इंडिया ने चार गोल दाग दिए या चार गोल कर दिए। ठीक है, फोर गोल इन द फाइनल क्वार्टर फॉर आ 5-0 विन, 5-0 जब विन हुआ उनका तो आखिरी में उन्होंने चार गोल किए। बट इट वॉज फार, देखिए फार जो वर्ड है इसका मतलब होता है दूर। ठीक है, तो इसके साथ हम नॉर्मली जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो लगाते हैं फ्रॉम, फार फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑफ इसमें गलत है, ये ऑफ नहीं आएगा, इसके स्थान पर आएगा इसमें फ्रॉम। तो ये किस पार्ट में दिया है, ये दिया है आपका सी पार्ट में। तो सी पार्ट किस में दिया है, सी दिया है ए में, आपका आंसर होगा ए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। ये क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने आ गया, आप इसको पढ़ते हैं। द थर्ड स्क्रीन इज द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इट टू इज मच ब्राइटर एंड ऑफ अ हायर रेजोल्यूशन दिस टाइम, बट फॉर ऑल इट्स विजुअल मॉडर्निटी इट्स ए शेम JLR did not। देखिए इसमें डिड नॉट के साथ हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट के साथ हम वर्क भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड, और ये वर्ड गलत है। तो ये वर्ड किस पार्ट में है, ये पार्ट में है डी पार्ट में। ठीक है, डी पार्ट किस में दिया है, बी में, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ें, सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पता हो, उस सेंटेंस का मीनिंग आपको पता हो, ये जरूरी नहीं है। आपको केवल लॉजिक को अप्लाई करना है, और लॉजिक को आप अप्लाई करते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं, और यही एक ट्रिक है इसमें। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। देखिए टाइप थ्री के क्वेश्चन आ गए, और टाइप थ्री के क्वेश्चन में कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक इडियम दिया है, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब भी पूछे जाते हैं और इडियम भी पूछे जाते हैं, तो इसका मीनिंग आपको बताना है। जैसे यहां पर लिखा है टू कॉल नेम्स, ठीक है, पांच ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, यहां पर आप देख सकते हैं टू अब्यूज, टू रन, टू डिफेम, टू रीनेम, टू प्रेस। टू कॉल नेम का मतलब होता है किसी को भला बुरा बोलना, तो इसमें आपका अकॉर्डिंग टू द मीनिंग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अब्यूज। तो ये सारी चीज़ें भी आपको रीडिंग से ही आएंगी, हिंदू बूस्टर सीरीज़ के थ्रू ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए ये है आपके सामने, वी बिट, ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका इस फ्रेज को हम यूज़ करते हैं एक्चुअली क्वान्टिटी बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें आ लिटिल, इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि आ लिटिल का मतलब होता है बहुत कम। नथिंग का मतलब, नथिंग गलत हो जाएगा क्योंकि नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, मचमोर का मतलब ज़्यादा, बी लिटिल का मतलब छोटा करना, बी लिटिल एक्चुअली एक वर्ब है, और यहाँ पर चाहिए आपको एक नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एबंडेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, तो सही आंसर होगा इसमें सी, ए लिटिल।
टाइप फोर पैराजंबल के देखिए ये क्वेश्चन हैं, और इस तरह के क्वेश्चन इस बार एसबीआई क्लर्क एग्जाम में और पीयू एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर से आपके आईबीपीएस पी में पूछे जा सकते हैं। इसमें एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, पूरा एक सेंटेंस दिया है, और ये जो बोल्ड पार्ट है इसकी पोजीशन यहीं पर रहेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये यहीं पर रहेगी। बाकी जो पार्ट है जैसे बी है, ए है, सी है, इसको आपको रीअरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, देयर इज़ ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है एक व्यक्ति के पास इस समय। तो इसके बाद आप क्या जोड़ोगे, इसके बाद आप जोड़ सकते हैं, देखिए देयर इज़ ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के बाद टू तो आएगा नहीं, क्योंकि टू गो का कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। बट वाला सेंटेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बट वाले सेंटेंस से पहले एक सेंटेंस यहाँ पर होना जरूरी है, तभी तो आप इसको कॉन्ट्रास्ट करोगे, क्योंकि बट से हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो बट वाला सेंटेंस जो है इन्फॉर्मेशन के बाद नहीं आएगा। देखिए इसके बाद आप ये लगा सकते हैं, देयर इज़ ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, देयर इज़ ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पर सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सी आपका जो सेंटेंस है ये पहले आएगा इसमें, देयर इज़ ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा हो गया, लेकिन यहाँ से आपको एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है, तो इसके बाद फिर ये बट वाला पार्ट जुड़ सकता है। तो सी के बाद आपका आ जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेयर आपका बनेगा वो सी डी से बनेगा, एक सी और डी आना चाहिए सबसे पहले। देखिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, देयर इज ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट बट बी हैड टू गो, क्योंकि हैड के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा सी डी ए बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सी डी ए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए साइकिलिंग के बारे में है ये क्वेश्चन, साइकिलिंग इन इंडिया कैन बी अ चैलेंज, मतलब इंडिया के अंदर साइकिलिंग करना एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सड़कें हैं वो उस तरीके से नहीं है जैसे एडवांस कंट्रीज़ में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं। तो साइकिलिंग जो है यहाँ पर एक चैलेंज हो सकता है, एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इसको आगे आपको कंटिन्यू करना है इस सेंटेंस को, साइकिलिंग इन इंडिया कैन बी अ चैलेंज, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पॉट होल्ड रोड्स एंड नो लेन फॉर बाइसाइकिल, मतलब यहाँ पर जो सड़कें हैं उसमें काफ़ी सारे गड्ढे रहते हैं, पॉट होल्ड रोड्स रहती हैं, और बाइसाइकिल यानी साइकिल चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई अलग से लेन नहीं होती जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में रहता है, ठीक है। तो साइकिलिंग इन इंडिया कैन बी अ चैलेंज, इसके बाद आप लगा सकते हैं, इसके बाद आप ये सेंटेंस, ये वाला पार्ट लगा सकते हैं, साइकिलिंग इन इंडिया कैन बी अ चैलेंज विद अनरूली ट्रैफिक। अनरूली ट्रैफिक मतलब यहाँ पर लोगों के अंदर ट्रैफिक का एक सेंस नहीं है, और ये बात काफ़ी हद तक सही है क्योंकि ट्रैफिक का एक डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो नहीं है, और काफ़ी सारे लोग जैसे आपने देखा होगा रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं और रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो एक सिविक सेंस नहीं है उनमें, एक ट्रैफिक सेंस नहीं है इंडिया में। तो साइकिलिंग इन इंडिया कैन बी ए चैलेंज विद अनरूली ट्रैफिक आप पहले लगाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताई हैं, पॉट होल रोड्स एंड नो लेन्स फॉर बाइसाइकिल, तो ये आप बाद में लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये लगाएंगे विद अनरूली ट्रैफिक, पहले आप अनरूली ट्रैफिक के बारे में बोलेंगे और फिर ए लगाएंगे, यानी डी और ए से आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसमें। तो इस डी और ए का इसमें कॉम्बिनेशन जो है वो एक ही है, तो इसमें आपका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मोस्ट पीपल लाइक टू बाय रेडीमेड प्रोडक्ट्स एंड दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज, थिंक बिफोर यू डिस्कार्ड, यहाँ तक तो ये सेंटेंस सही है, मोस्ट पीपल लाइक टू बाय रेडीमेड प्रोडक्ट्स एंड दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज, थिंक बिफोर यू डिस्कार्ड, इसमें मतलब ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग रेडीमेड प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं और उनके पास जो पुराना सामान पड़ा है उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि थिंक बिफोर यू डिस्कार्ड विद ए लिटिल थॉट एनी थिंग कैन बी यूटिलाइज, यानी इसमें आपका जो पेयर बनेगा वो बनेगा
रेडीमेड प्रोडक्ट्स एंड दिस माइंड सेट नीड्स टू बी चेंज. ए तो पहले आएगा इसमें, ए के बाद यहाँ पर ये बी आएगा, बी के बाद ए बी डी सी इसमें आपका पेयर बनेगा. एक्चुअली ए बी डी सी इसमें पेयर बनेगा और ए बी डी सी इसमें दिया है, हाँ ये दिया है सेकेंड में, तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंड. कभी कभी ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही भी होते हैं, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. देखिए ये एक डबल फ्लर का क्वेश्चन है और डबल फ्लर के क्वेश्चंस नॉर्मली काफ़ी लंबे और ट्रिकी रहते हैं, तो आपको इनको लॉजिक से इनको सही करना है. आप यदि पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम आपका चला जाएगा. देखिए देयर आफ्टर द वर्क विल टूर फोर मेजर सिटी इन द US अलाउइंग बोथ इंटरनेशनल ऑडियंसेस एंड. देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक तो इंटरनेशनल ऑडियंसेस और एक और चीज़. तो यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो एक कम्युनिटी से रिलेटेड वर्ड हो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल ऑडियंसेस, और ये जो वर्ड है ये एंड से जुड़ा है. तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कम्युनिटी से रिलेटेड हो, तभी हम उसको एंड से जोड़ पाएंगे. और कम्युनिटी से रिलेटेड जो वर्ड है वो है डायस्पोरा, क्योंकि डायस्पोरा का मतलब होता है कि जैसे इंडिया से अलग अलग कंट्री में लोग गए और वहाँ पर जाके फैल गए, तो उसको हम बोलते हैं डायस्पोरा. ठीक है, तो डायस्पोरा जो है यहाँ पर सही चॉइस है. ओरिजिन, कल्चर, लिटरेचर और फर्स्ट ऑप्शन के बारे में यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये सही है, तो सेकंड जो ऑप्शन होगा वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ई. तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है, और ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं तो कम से कम टाइम में आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं. यदि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे, वर्ड्स के मीनिंग निकालेंगे, तो काफ़ी टाइम आपका चला जाएगा और हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत हो जाए. तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक और लॉजिक को आपको अप्लाई करना है. देखिए एक ये क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी रहते हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस. ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी सी और डी, ये चार सेंटेंस दिए हैं. तो चार सेंटेंस में कौन सा एक या दो या तीन या चार सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका नीचे से आंसर इसमें निकल के आएगा. और ये सेंटेंस रहते हैं, ये सेंटेंस नॉर्मली मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री में भी, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस इस समय पूछे जा सकते हैं. तो चारों सेंटेंसेस में से कौन सा एक या दो या तीन सेंटेंस जो है वो गलत है, ये आपको इसमें निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर इसमें बनेगा. तो यहाँ से हम पढ़ते हैं आई सी विमेन बिकमिंग मोर ओपन, मतलब मैं देखता हूँ कि औरतें जो हैं ये ज़्यादा ओपन होती जा रही हैं. ठीक है, आई सी विमेन बिकमिंग मोर ओपन, ये सही है सेंटेंस, विद ग्रेटर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. ठीक है, टू डिमांड मोर, टू आस्क फॉर देयर राइट्स. तो इसमें देखिए यहाँ पर हमने ग्रेटर यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने मोर यूज़ किया है, यहाँ पर भी हमने मोर यूज़ किया है. तो पूरा सेंटेंस जो है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के आधार पर चल रहा है, मतलब इस पूरे सेंटेंस में एक कंसिस्टेंसी है और कहीं पर भी इसमें कोई गलती नहीं है. टू आस्क फॉर, देखिए यहाँ पर देयर लगा है, और यहाँ पर हम चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर वीमेन जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये देयर जो है ये सही है, आस्क फॉर भी यहाँ पर सही है, तो इसमें कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है, ये सेंटेंस आपका सही है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इंडिया रिमेंस, इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रिमेंस सही है. रिमेंस द वर्ड्स फास्टेस्ट सही है. लार्जेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी सही है. इकोनॉमी इसमें एक नाउन है, लार्ज इसमें एक एडजेक्टिव है. बट इट नीड्स, इट के बाद नीड्स लगा है, सही है. टू ग्रो इवन फास्टर, इवन के बाद हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो ये भी सही है. टू इस पर जॉब क्रिएशन, मतलब टू जॉब क्रिएशन को क्रिएट करना, तो इस पर वर्ड सही है. द फोकस मस्ट बी ऑन सॉर्टिंग आउट, ऑन के बाद प्रपोजिशन के बाद हम ING फॉर्म लगाते हैं, तो ये सही है. वाइटल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट आर फार फ्रॉम परफेक्ट, तो ये सेंटेंस भी आपका सही है. अब इस सेंटेंस को देखते हैं. स्टेपिंग इन टू कॉम्पैक्ट स्टोर एट जक्स्टा पोज वन इज मेट विथ द सब्जेक्टिव प्लेजेंट स्मेल. देखिए यहां पर स्मेल क्या है, नाउन है. प्लेजेंट क्या है, एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव को हम किस चीज से क्वालिफाई करेंगे, एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब से. एडवर्ब जो है वो जो
एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिवली प्रेजेंट। प्रेजेंट तो है लेकिन वो कैसा है, सब्जेक्टिवली प्रेजेंट। अब इसमें देखिए प्रेजेंट और सब्जेक्टिव ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, तो दो एडजेक्टिव हम साथ में नहीं लगाते, एक एडजेक्टिव के साथ एक एडवर्ब हम लगा सकते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। और ये जो एडजेक्टिव है ये विशेषता बता रहा है किसकी, स्मेल की। स्मेल क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिवली होगा और आपका सी जो सेंटेंस है ये हो गया आपका गलत। अब हम पढ़ते हैं डी को, एनी प्रैक्टिस एम्ड टू इम्प्रूविंग। देखिए इसमें एम जो होता है, एम के बाद हम एट लगाते हैं, एक्चुअली एम डेट होता है। यदि यहाँ पर टू लगा है तो टू के बाद तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली एट होना चाहिए एम डेट, और एम डेट के बाद फिर हम यहाँ पर आई एन जी फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें ए पार्ट गलत है, यानी कुल मिला के आपका ये वाला सेंटेंस भी गलत हो गया, यानी सी और डी सेंटेंस आपके इसमें गलत हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा थर्ड, ओनली सी एंड डी। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो क्लास में मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बताए हैं, और ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं आपके अक्टूबर में जो आपका एग्ज़ाम होगा आईबीपीएस पीओ का, और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा आईबीपीएस क्लर्क का, उन सभी के लिए ये वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो क्लास को मैं इंग्लिश में भी अपलोड करूँगा, और ये सीरीज़ रेगुलरली चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो इस सीरीज़ को आप रेगुलरली देखिए और इन क्वेश्चन से सीखिए, और इनको सीख के अपनी सफलता आप सुनिश्चित करें। कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं, और ये है मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर, इनके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।